हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं हमारे चैनल पर पीईटी एग्ज़ाम की कंप्लीट तैयारी चल रही है, वो भी फ्री तैयारी चल रही है। आपको इतनी अच्छी तैयारी करा दे रहे हैं कि आपको किसी का कोर्स लेने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि 8-10 क्लासेज जब हो जाती हैं तो नोटिफिकेशन इतने नहीं आ पाते आप लोगों के पास। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप बेहतर तैयारी करने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम देव जी के ट्रिक से जरूर जुड़िएगा। वहाँ पर देखिए क्लास की पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करा दी जाती है, जिससे और बेहतर तरीके से आप लोग रिविजन कर सकते हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम सभी को, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, लाजवाब होंगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए, हर हर महादेव सभी को, राम राम। चलिए, रेडी हैं? आवाज़ वगैरह मिल पा रही है आप सभी को? आ रही है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे कि भूमि दान का सबसे पुराना अभिलेखी प्रमाण निम्नलिखित में से किससे मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर भूमि दान है ना, पुराने जमाने में क्या होता था, भूमि दान में दे दिया करते थे। तो दोस्तों ये आपका मिलता है कहां पर, और ये क्वेश्चन आपका ऐसा है जिसमें से काफी लोग गलती करेंगे। याद रखिए यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका हो जाएगा ए नंबर, नानाघाट अभिलेख। ये नानाघाट अभिलेख कहां से संबंधित है, तो आपके याद रखिए सात वाहनों से, है ना, याद रखिएगा सात वाहनों से, सात वाहन से संबंधित है आपका नानाघाट अभिलेख, याद रखिएगा। ठीक है ना, यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा, देखिए सात वाहनों में एक रानी थी, यहाँ पर याद रखिए नागानिका, याद रखिए सात वाहन की रानी थी नागानिका, वहां पर नानाघाट में ये अभिलेख देखने को मिलता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं निम्न में से पद्मावत के रचयिता कौन है, बताना है पद्मावत के रचयिता, यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, टू को ऑप्शन देना है। देखिए टू की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पद्मावत जो कि ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, सी नंबर जिसका भी है आपका राइट हो जाएगा जायसी, है ना। याद रखिए पद्मावत के रचयिता कौन है, जायसी। अगर मैं आपसे पूछे जायसी का वास्तविक नाम क्या था, तो जायसी का वास्तविक नाम क्या था, मलिक मोहम्मद था। क्या था, मलिक मोहम्मद था। दोस्तों याद रखिएगा, एक गांव पड़ता है अवध में, अवध में एक गांव पड़ता है, ठीक है, जायस गांव, ठीक है, जायस नामक एक ग्राम है, वहां पर इनका जन्म हुआ था, इस कारण से इनके आगे जायसी जोड़ देते हैं, याद रखिएगा, ये पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िएगा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, वेलकम है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि एक अधिनियम आया जिसमें से कंपनी के एकाधिकार जो थे वो आपके यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है आपका 1813 का चार्टर एक्ट, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन पहली बार किसने किया था, यहाँ पर फोर को ऑप्शन देना है। कह रहा है मुगल प्रांतों का विभाजन पहली बार किसने किया था, इसका ऑप्शन क्या बनेगा। चलिए यहाँ पर आंसर जो बनेगा राइट इनमें से क्या हो जाएगा, चलिए राइट आंसर क्या होगा, भाई वीडियो को लाइक नहीं करते यार, मजा नहीं आती है, आप लोगों के लिए चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ते रहते हैं, इतनी क्लासे देते रहते हैं, किसी का आप पेड कोर्स लेते हो तो आपको कम से कम 400 रुपया पेड करना पड़ेगा, वो भी इतने मॉडल पेपर हो, इतनी अच्छी तैयारी नहीं होगी। लेकिन लाइक शेयर करने के लिए यार फ्री में जो चीज आपको मिलती है, तो फ्री वाली चीज भी आप लोग नहीं दे सकते हैं, कम से कम इतना तो किया करें, जो चीज आपको फ्री दे रहे हैं, हम आपसे एक रुपए तो नहीं मांग रहे हैं कि एक रुपया मांग रहे हो, अगर एक रुपए मांग लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा किडनी मांग लिया यार, जब फ्री आपको इतनी अच्छी तैयारी करा रहे हैं, हर चीज तैयारी करा रहे हैं, बेहतर तरीके से मॉडल पेपर दे रहे हैं, तो कम से कम लाइक शेयर तो कर दीजिए, जो तुमसे हो सकता है यार, तुम लोगों से जो फ्री में हो सकता है वो तो कर ही सकते हो ना, इतना तो समझदार हो, बड़े हो, दिमाग लगा सकते हो। चलिए देखो यहां पर दिया गया है, मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन पहली बार किसने किया, फोर का ऑप्शन बनेगा डी नंबर, याद रखिए ऑप्शन डी अकबर क्या हो जाएगा, याद रखिए यहां पर जो आंसर है आपका डी नंबर अकबर आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, अकबर बनेगा। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा आपसे अशोक के किस शिलालेख से युद्ध और हिंसा के कारण जनित उनके अंतर मन की व्यथा प्रकट हुई थी। क्वेश्चन आपका जो 5 नंबर है, 5 नंबर का जो ऑप्शन है यहां पर आपका बनेगा ए नंबर धौली और आपका जौनगढ़, मतलब धौली और जो आप घौली कह सकते हैं, धौली कह सकते हैं, घौली भी कहीं कहीं मिलता है। तो दोस्तों घौली और जौनपुर या जौगढ़ से अशोक का जो 13वां शिलालेख है वहां पर हुआ था कलिंग युद्ध, तो कलंग
कलिंग युद्ध में इतना भयानक परिणाम हुआ, इतना भयानक परिणाम हुआ जिससे क्या हुआ कि यहां पर कह सकते हैं अशोक का जो मन हो गया व्याकुल हो गया, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या हो गया, इसकी व्यथा प्रकट होती है आपके धौली जौगढ़ या 13वां शिलालेख में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कांग्रेस की प्रथम महिला, क्या कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष इनमें से कौन थी, 6 नंबर का ऑप्शन देना है। चलिए थोड़ा फास्ट तरीके से सॉल्व करना है, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष इनमें से कौन थी 6 नंबर में। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, सरोजिनी नायडू। कौन? सरोजिनी नायडू। अच्छा ये बताइए, सरोजिनी नायडू तो आपने जवाब दे दिया, लेकिन कब बनी थी और कहां पर बनी थी, कौन सा अधिवेशन था जिसमें बनी थी? तो दोस्तों याद रखिए 1925 हमने बता दिया, 1925, लेकिन कहां पर, तो आप कहेंगे कानपुर, ठीक है, कानपुर के अधिवेशन में, ये आपकी 1925 में बनी थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहां पर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था। बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था, 7 का ऑप्शन देना है। दोस्तों 7 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, याद रखिए यहां पर ए नंबर हो जाएगा बंबई में, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ था, कब हुआ था, 1885 में। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे प्रथम अधिवेशन में भाग कितने लोगों ने लिया था, कितने लोगों ने भाग लिया था, तो याद रखिएगा 72 लोग इसमें भाग लिए थे, अर्थात 72 प्रतिनिधि इसमें से शामिल हुए थे। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि 1905 में बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल इनमें से कौन था। चलिए यहां पर जवाब देना है, देखो पूरा कंसंट्रेट जो होना चाहिए वो क्लास में होना चाहिए, बातों में नहीं रखना चाहिए, बस ये तैयारी सोच के किया करिए, ये सोच के किया करिए कि जब आपका पीईटी का रिजल्ट आए तो आपका इतना अच्छा नंबर हो कि आपकी बढ़ाई हो, ठीक है ना। फिर इसके बाद जब आप फार्म आएगा तो फार्म में भी आप लोग अच्छे से फिलअप कर पाएंगे मेंस एग्जाम में। लेकिन अगर आप मेंस एग्जाम को टारगेट करके अगर नहीं पढ़ते हैं तो समझो कि कोई टारगेट आपका है नहीं है। तो पीईटी एग्जाम पास करना एक टारगेट है, लेकिन मेंस एग्जाम को आपको टारगेट करना है। तो आप लोग अगर इतना टारगेट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके अंदर मन लगने लगेगा कि नहीं हाँ मैं अच्छे नंबर नहीं लाऊंगा तो मैं मेंस एग्जाम में नहीं पाऊंगा। नहीं तो वही भीड़ है ना, लाखों की भीड़ में ट्रेन में घुसोगे, 1000 रुपया फूंक कर आ जाओगे, पीटी का फॉर्म निकल जाएगा, कोई मतलब नहीं है। इसलिए टारगेट ऐसा बनाइए कि मेंस एग्जाम आपका टारगेट होना चाहिए। देखो दिया गया 1905 में बंगाल का विभाजन करने वाला प्रथम गवर्नर जनरल, आर का आंसर है आपका बी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। क्या? लॉर्ड कर्जन, यहां पर आंसर बिल्कुल सही जवाब आ गया है सभी का। और अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहे कलकत्ता के स्थान पर भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी। तो दोस्तों आपको मालूम है पहले कलकत्ता राजधानी थी, लेकिन क्या हुआ 1912 में कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। तो ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगर पूछे घोषणा कब हुई थी, तो दोस्तों इसकी घोषणा 1911 में दिल्ली दरबार में की गई थी। वायसराय कौन था? हर्डिंग द्वितीय। कौन? हर्डिंग द्वितीय द्वारा जॉर्ज पंचम की ओर से की गई थी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का जो नेतृत्व किया वो किसने किया था, तो दोस्तों यहां पर याद रखिएगा सैयद हैदर रजा। कौन है? याद रखिए दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का जो नेतृत्व किया वो सैयद हैदर रजा ने किया था। मुंबई की अगर बात करें कि दोस्तों मुंबई और पुणे में, दोस्तों तो मुंबई और पुणे में बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि मुंबई और पुणे में जो किया था वो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। किसका? तो आपके स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। दोनों पॉइंट याद रखिए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहां पर है कि छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में निम्न में से किस संसाधन में समृद्ध है। जो छोटा नागपुर का पठार है ये किस चीज के मामले में समृद्ध है पूरी तरीके से, तो दोस्तों याद रखिएगा खनिज के, आपका बी नंबर राइट हो जाएगा खनिज के लिए, इसलिए इसे भारत का रूर भी कहा जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, नमस्ते जी नमस्ते। अगला देखो दिया गया है कि राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट निम्न से किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए खेतड़ी दिया है, खेतड़ी 12 नंबर में, तो दोस्तों यहां पर आपका आंसर हो जाएगा तांबा क्षेत्र के लिए आपका खेतड़ी जाना जाता है। प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, याद रखिएगा ये आपके किसके लिए, तांबा खनन के लिए है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है जमशेदपुर टाटा, क्या जमशेद पहले लौह इस्पात उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। बताना है जमशेद जी टाटा द्वारा पहले लौह इस्पात उद्योग की स्थापना किस वर्ष की थी। यहां पर राइट आंसर 13 नंबर में लॉक किया जाए जल्दी से, यहां पर आंसर आपका सी बन जाएगा। याद रखिएगा 1907 में, कब 1907 में इसका आंसर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्न में से कौन सा अपरदन
अभिकर्ता बालुका स्तूपों के निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है। मतलब दोस्तों यहाँ पर देखा है, आप लोगों ने देखा होगा कि बालू के छोटे छोटे टीले बन जाते हैं। वो टीले कब बनते हैं? जब पवन चल रही होती, हवा चल रही होती है, तो पवन द्वारा उड़ा कर लाई गई रेत से निर्मित हो जाते हैं यहाँ पर बालुका स्तूप। तो इसको ऑप्शन बनेगा यहाँ पर, ये नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे और अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है निम्न में से कौन हिंद महासागर की जलधारा है। दोस्तों ये क्वेश्चन जलधारा से मिलता है। यहाँ पर दोस्तों याद रखिए, ये जलधारा है आपकी हिंद महासागर की अलगुहास जलधारा आपकी हिंद महासागर की है। अगर पूछे कैसी गर्म धारा है, तो आप कहेंगे गर्म जलधारा है। कैसी है दोस्तों? ये गर्म जलधारा है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा आपसे कि मांस एवं टमाटर उत्पादन वृद्धि निम्न से किस क्रांति से संबंधित है। दोस्तों ये बताइए, मांस और टमाटर है ना, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो भैया 16 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर, याद रखिएगा। ये लाल क्रांति से है, किससे है? लाल क्रांति संबंधित है। यहाँ पर देखिए, अगर बात करते हैं भूरी क्रांति का संबंध किससे है, बताइए। भूरी क्रांति मतलब होता है कोको उत्पादन। यहाँ पर बादामी क्रांति आपकी होती है मसाला उत्पादन, और नीली क्रांति जो होती है वो आपकी होती है मत्स्य पालन से। तो यहाँ पर देखा जाए 16 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया था भैया, वो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, वेरी एमपी क्वेश्चन है और आपका हमेशा पूछा जाता है नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड से क्वेश्चन हमेशा बनता है, याद रखिए। इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका सी हो जाएगा, 1982 में, 1982। और डेट पूछ ले तो आपको बताना है 12 जुलाई, कब? 12 जुलाई को एक समिति थी उसके सिफारिश पर। वो सिफारिश समिति कौन थी? शिव रमन समिति। कौन थी? एक समिति थी आपकी शिव रमन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय बता दीजिए जल्दी से, इसका मुख्यालय बता दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में, कि नाबार्ड की जो मुख्यालय है वो आपके है कहाँ पर, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा है आपसे किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत निम्न में से किस वित्त मंत्री द्वारा की गई थी। देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड योजना ये आपके 1998 में प्रारंभ की गई थी। कब? 1998 में प्रारंभ की गई थी। उस समय जो आपके मंत्री थे दोस्तों, वो आपके यशवंत सिन्हा थे। ऑप्शन बनेगा ए नंबर, यशवंत सिन्हा आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देखिए गलती होना आम बात है, जब गलती करोगे तभी तो आप सीखोगे। मॉडल पेपर लगा रहे हैं, गलती होना स्वाभाविक है, गलती होना भी चाहिए, क्योंकि जब आप कोई अधिगम कर रहे हैं, कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं, तो गलतियां तो होंगी ही होंगी, लेकिन अपना समय पूरा देंगे तो यही आपकी गलतियां आपके सुधार में परिवर्तन होगा। यहाँ पर देखो, भूमि विकास बैंक द्वारा, क्या? भूमि विकास बैंक द्वारा वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। यहाँ पर 19 नंबर की अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा, किसानों की, मतलब कह सकते हैं भूमि विकास बैंक से वे संस्था है जो किसानों को दीर्घकालीन, कैसा, ये भी पॉइंट याद रखिए, कि किसानों को दीर्घकालीन ऋण क्या करते हैं, प्रदान करते हैं, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा भी गया है, यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे अगला क्वेश्चन, कह रहा निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, बताइएगा। यहाँ पर देखिए, कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, कमेंट करें जल्दी से, लॉक किया जाए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखो, पहला पॉइंट दिया है एपी कल्चर, आपका मधुमक्खी पालन हो जाएगा। पोमी कल्चर दिया गया है, फलों का उत्पादन हो जाएगा। वर्मी कल्चर दिया गया है, बागवानी, क्या सही है क्या भाई? वर्मी कल्चर में होता है केचुआ पालन, है ना, वर्मी कल्चर में होता है केचुआ उत्पादन। दोस्तों केचुआ उत्पादन है, और केचुआ को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। साथ में दोस्तों याद रखिए, सांप को भी, याद रखिए सांप को भी किसानों का मित्र कहते हैं। याद रखिए, कितने लोगों को पता है कि भैया केचुआ को तो कहते हैं किसानों को मित्र, लेकिन सांप को कब से कहा जाने लगा किसानों को मित्र, बताइएगा। किसी को पता है कि नहीं पता है, और लॉजिक क्या है, क्यों कहा जाता है सांप को किसानों का मित्र कहते हैं, पता है तो क्यों कहते हैं? देखो यहां पर क्या होता है कि भाई जो केचुआ होता है, ये तो जमीन को खोदता है, भुरभुरी बना देता है, ऑक्सीजन का मतलब उसमें निहित हो जाती है, लेकिन जो कह सकते हैं जो आपका सांप होता है, ये क्या करता है, जो खेत में चूहे वगैरह होते हैं, तो चूहे आप देखते हैं जिसे खेत में चूहे लगे होना, उस खेत को बर्बाद कर देते हैं, तो जो सांप होता है वो चूहों को खा डालता है। इसलिए दोस्तों, इसलिए सांप को भी किसानों का मित्र कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। यहाँ पर जवाब देना है, कह रहा है संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष इनमें से कौन हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए, 21 नंबर का जो ऑप्शन है आपका बी नंबर है, वी
आर अम्बेडकर, जिसको ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है, मतलब जो आपका भारतीय संविधान है दोस्तों, इसमें से बताइएगा सर्वाधिक प्रभाव जो मिलता है वो किसमें मिलता है, यहाँ पर आपका 22 नंबर में। तो दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम जो आपका 1935 है, यही से आपका लिया गया है। आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, लगभग 2/3 जो लिया गया है यही से लिया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे किस संविधान को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा प्रदान की गई है, लाजवाब क्वेश्चन दिया गया है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान की उपमा जो दी जाती है वो किसे दी जाती है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर है, 42वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था, तो याद रखिए ये हुआ था 1976 में, कब हुआ था 1976 में। और इस संविधान संशोधन में कुल कितने प्रावधान, याद रखिएगा इसमें से 59, कितने याद रखिएगा यहां पर आपका 59 प्रावधान, अर्थात 59 प्रावधान यहां पर किए गए थे, इसलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा भी दी जाती है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहां पर न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत को भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से शामिल किया गया है, यहां पर जवाब देना है आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। 24 नंबर की अगर बात करते हैं तो यहां पर दोस्तों याद रखिए अमेरिका, हमने बताया है न्यायिक शब्द अगर लगा होता है पॉलिटी में तो याद रखिए संभवता है कि अमेरिका से ही वो चीजें आपकी ली गई होंगी, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहां पर संसद के सत्रों के मध्य अधिकतम अंतर हो सकता है, मतलब संसद के जो सत्र होते हैं इनके मध्य जो अंतर हो सकता है कितना हो सकता है, याद रखिए 6 माह का अंतर हो सकता है, मतलब एक साल में 2 बार यहां पर बैठकें होती हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे अगला क्वेश्चन आ गया है, कह रहा है जब लिफ्ट पर है ना, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में पिंड का भार जो प्रतीत होता है क्या प्रतीत होता है 26 नंबर में। तो दोस्तों यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर आंसर बताइए कमेंट करेगा, यहां पर भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि कांस्टेंट यहां पर हो चुका है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि दीर्घ रेडियो तरंग की खोज किसने की थी, दीर्घ रेडियो तरंग की जो खोज किया था वो किसने किया था, कमेंट करें जल्दी से। यहां पर देखिए दीर्घ रेडियो तरंग की अगर बात करें तो दोस्तों ये चीज एक आपने पढ़ा सुना होगा, मार्कोनी है, मैक्रोनी है ना, मैक्रोनी नहीं बोल रहा है, मार्कोनी, याद रखिए मार्कोनी जो आपका वैज्ञानिक है, इन्होंने ही दीर्घ रेडियो तरंग की क्या किया था, खोज किया था। अगर पूछे लघु रेडियो तरंग की खोज किसने किया था तो दोस्तों याद रखिएगा लघु अगर पूछ लेता है लघु तो ये है आपके लघु वाले हैं, ठीक है, ये है आपके लघु रेडियो तरंग की खोज किया था हेनरिक हर्ट्ज ने किया था, याद रखिएगा। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहां पर सिरका में पाया जाने वाला अम्ल क्या होता है, सिरका में पाया जाने वाला अम्ल क्या होता है, तो सिरका जानते हैं ना भैया, सिरका जानते हैं ना, गर्मियों में खटाई वटाई रखते हैं, तो भैया सिरका में पाया जाता है क्या, यहां पर आंसर डी हो जाएगा, एसिटिक अम्ल होता है, क्या होता है एसिटिक अम्ल होता है। अगर हम आपसे पूछे भैया कि जो टार्टरिक अम्ल होता है टार्टरिक अम्ल किसमें होता है, टार्टरिक अम्ल किसमें होता है, भैया आप याद रखिएगा कि टार्टरिक अम्ल होता है जैसे आपका हो गया संतरा हो गया है ना, संतरा में टार्टरिक अम्ल होता है, इमली में आपका होता है, याद रखिए इमली में भी टार्टरिक अम्ल आपका होता है, याद रखिएगा, अच्छा सॉरी इमली में होता है टार्टरिक अम्ल और सैट्रिक अम्ल होता है, ये होता है संतरा में, सासे संतरा सासे सैट्रिक, तो याद रखिए ये गलती हो रही थी, याद रखिए सैट्रिक अम्ल होता है संतरा में, टार्टरिक अम्ल होता है इमली में होता है, और एसिटिक अम्ल होता है सिरका में, ये जो लैक्टिक अम्ल है ये किस में होता है, लैक्टिक मतलब लैक्ट शब्द लग जाए तो समझिए दूध से बनी हुई चीजें होती हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा ये आपका दूध में होता है, क्लियर हो गया चारों पॉइंट। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे कि रक्त में बीमारी उत्पन्न करने वाली जीवाणुओं को नष्ट करने वाली कोशिका इनमें से कौन सी है, तो दोस्तों यहां पर 29 नंबर में याद रखिएगा कि जो आपकी बॉडी में क्या होती है बीमारी लग जाती है ना, तो बीमारी में उत्पन्न होने वाले जीवाणु को जो नष्ट करता है वो आपका श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, यही लड़ती हैं आपकी बॉडी में आपकी क्षमता से, यहां पर आंसर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, तो दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन क्या होता है, बच्चा है ना, हमने यहां पर कह दिया शॉर्टकट में बच्चा पानी में डूब गया, क्या याद रखिए बच्चा जो होता है पानी में डूब जाता है, हमने बच्चे को शॉर्टकट में लिख दिया बी सी है ना, तो यहां पर याद रखिए बी और सी जो होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं, बाकी जो बच्चे हुए आपके हो गए वो आपके वसा में घुलनशील होते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप का चयन करना है 31 नंबर में, दोस्तों यहां पर दे सकते हैं आपका वर्तनी में आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा, देखिए
ईर्ष्या कैसे लिखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, हमेशा से आप पढ़ते हैं कि भैया जो ईर्ष्या होती है वो कैसे लिखा जा सकता है, क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। देखिए आपका 31 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, याद रखिए ईर्ष्या ये आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, जो कि जवाब बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे निम्न में से कौन पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। देखिए पुत्री का पर्यायवाची दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सुता होता है, आत्मजा होता है, दुहिता होता है, लेकिन भैया आपसे अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो तनय दिया है, तनय तो नहीं होता है, तनय होता है पुत्र का होता है, किसका होता है, पुत्र का होता है, याद रखिएगा। ठीक है, वेलकम है, वेलकम है। यहाँ पर नए लोग जितने लोग जुड़ रहे हैं ना, जय हिंद जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। ऑफलाइन देख रहे हैं तो भी जय हिंद लिखिएगा, इससे हमारी पहचान बन जाती है कि नहीं आप हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं, ठीक है ना, तो जय हिंद जरूर लिखते चलिएगा। जिसकी मति झट सोचने वाली हो, अर्थात जिसकी बुद्धि तुरंत सोच ले कोई चीज को, है ना, तो यहाँ पर होता है दोस्तों प्रत्युत्पन्नमति, ऑप्शन आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्न में से निर्गुण का संधिविच्छेद इनमें से क्या होता है। निर्गुण का संधिविच्छेद आप कहेंगे तो भैया आप कह दीजिए क्या, यहाँ पर आपको कहना है कि ये जो आपकी रा उड़ा है, है ना, यहाँ पर निधन गुण बनेगा, मतलब ऑप्शन जो आपका सी दिया गया है ये हो जाएगा, और इसमें रा को हटाकर विसर्ग लगा देंगे तो आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे हाल ही में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश का पहला जिला बना है। तो दोस्तों यहां पर 45 नंबर का ऑप्शन लॉक करिए जल्दी से, कह रहा आपसे कि हाल ही में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश का पहला यहां पर जिला बना है। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन, कमेंट करें जल्दी से कौन से आंसर को लॉक किया जाए। भाई यहां पर देखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा, आगरा हो जाएगा क्या, यहां पर 45 नंबर में आंसर क्या बनेगा, आगरा या और कुछ। चलिए यहां पर देखिए आपका आंसर क्या बनेगा, कमेंट करिए भाई, कमेंट कहां गायब हो गए, आप लोग कमेंट नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल से गायब हो गए कमेंट, कमेंट कहां गायब हो गए भाई, आप लोग कमेंट बिल्कुल छोड़ ही दिए, स्टॉप मार दिए कमेंट। चलिए आगरा बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, आगरा इसका आंसर आपका राइट बनेगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है, कह रहे हैं निम्न में से किस देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है, कह रहा है आपसा यहाँ पर देखिए आंसर बनेगा बी नंबर भूटान, याद रखिए भूटान को दोस्तों, याद रखिएगा भूटान को क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों याद रखिएगा ये क्वेश्चन 2021 पीटी एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर देखिए निम्न में से मंगोलिया की राजधानी कौन सी है। मंगोलिया की राजधानी पूछा गया है, नोट करिएगा, राजधानी याद रखिएगा, जैसे ही हम बताएं वैसे आपको आंसर नोट कर लेना है कॉपी में भी। यहाँ पर जो मंगोलिया की राजधानी है वो आपकी कौन सी है, मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर, क्या नाम है, उलान बटोर, इसका ऑप्शन जो बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगर हम आपसे बात करते हैं तुर्की की राजधानी, दोस्तों तुर्की की राजधानी है अंकारा, क्या तुर्की की राजधानी जो आपकी है, तुर्की की राजधानी क्या है, तो अंकारा है, अंकारा है, याद रखिए। मकाऊ की राजधानी मकाऊ है, याद रखिए मकाऊ की राजधानी मकाऊ ही है, याद रखिएगा मकाऊ ही रहेगी, ठीक है ना, क्लियर है। और अगर पूछे कि लेबनान की राजधानी क्या है, तो दोस्तों याद रखिएगा लेबनान, लेबनान की जो राजधानी है वो है आपका बेरूत है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा इन सभी को, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे निम्न से कौन सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। चलिए कुछ लोग सोचा करते हैं कि सर जी का चैनल छोटा है तो यहाँ पर बच्चे तो है नहीं है, तो अच्छा तो पढ़ाते नहीं होंगे, है ना, लेकिन आपको ये तो पता ही है कि हम हर एक मॉडल पेपर सोल्व करा देते हैं, किताब भी पढ़ा देते हैं, और इससे तो फंसेगा ही फंसेगा, ठीक है ना। ये भी याद रखिएगा, ऊंची दुकान का फीका पकवान, ठीक है, ऊंची दुकान का फीका पकवान। हम भैया छोटे वाले हैं, ठीक है, छोटा मोटा हमारा चैनल है, हम अपने चैनल से सिलेक्शन देने का प्रयास करते हैं, वो भी फ्री प्रयास करते हैं, एक भी पैसा आपसे नहीं लिया जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग ये अपने दिमाग मत रखिए यार कि हम किसी का कोर्स लेते तो ज़्यादा नंबर आ जाते, याद रखिएगा कोर्स से मिलाकर देखिएगा, जो भी बच्चा आपका साथ में लिया हो, एक दिन कंपटीशन में बैठ जाना, उसको भी बैठा लेना साथ में और अपने को बैठ जाना, बोल देना भैया एक मॉडल पेपर तुम उठाओ और एक मॉडल पेपर हम उठाते हैं, मिला के देख लेना, उसी दिन आपको पता चल जाएगा कि पानी का पानी है ना, दूधते ना दूध का दूध पानी से पानी, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए आपका जो 48 नंबर है लगभग सबका जवाब अब तक आ चुका है, यहाँ पर जो आपका आंसर है भैया लंबी तटरेखा वाला है आपका बी नंबर
गुजरात, क्या हो जाएगा गुजरात इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहां पर देखिए सर्वाधिक राज्यसभा के सदस्यों वाला प्रदेश, मतलब राज्यसभा में सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वो आपकी कहां पर है, उत्तर प्रदेश है दोस्तों। ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, 31 सीटें आपके राज्यसभा में हैं दोस्तों, याद रखिएगा। इसके बाद देखा जाए महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में कितनी सीटें हैं, 19 सीटें हैं आपके महाराष्ट्र में, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहां पर अगला बताइएगा, यहां पर तमिलनाडु में 16 हैं, ठीक है, तमिलनाडु में क्या है 16, सॉरी बिहार में 16 हैं, बिहार में 16 हैं, बिहार में 16 हैं, बिहार में 16 इसको कर लीजिए, बिहार में 16 हैं। और यहां पर 18 जो आपके हैं वो कहां पर हैं, 18 जो आपके वो महाराष्ट्र में, गलत हो रहा है भाई, एक मिनट रुकिए। देखिए उत्तर प्रदेश में जो आपकी हैं कितनी हैं, ये आपकी कितनी हो गई उत्तर प्रदेश में, आपकी 31 सीटें हो गई, ठीक है 31 हो गई, ठीक है। फिर इसके बाद 19 जो सीटें हैं वो राज्यसभा, 19 सीटें आपकी हैं महाराष्ट्र की हैं, ठीक है। इसके बाद जो 18 सीटें हैं वो आपकी तमिलनाडु की हैं, बिहार में जो सीटें हैं वो कितनी हैं, तो बिहार में है आपकी 16 हैं। अब इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है, अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है दोस्तों। यहां पर देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, 14 अप्रैल को मनाई जाती है, अंबेडकर जयंती मनाते हैं। यहां पर दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है 7 अप्रैल, बताइएगा कि 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं, जल्दी बताइएगा 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और हम बताते हैं कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो दोस्तों यहां पर 7 से 7 और 7 से स्वास्थ्य, याद रखिएगा स्वास्थ्य, तो याद रखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां पर है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां पर है, तो दोस्तों याद रखिए मनीला, मनीला कहां पर है, ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। स्थापना हुई थी आपकी 1966 में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है हवा महल स्थित है, बताइएगा हवा महल, यहां पर बताइए हवा महल क्या है भाई, हवा महल दोस्तों ये आपके राजस्थान में जयपुर में है, कहां पर है जयपुर में है, और इसका जो निर्माण हुआ था वो 1799 में, कब 1799 में, डेट याद रखिए महाराजा जय सिंह, ठीक है महाराजा सवाई प्रताप सिंह, ये बोल कह सकते हैं सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। अगला क्वेश्चन आपका आ गया है, कह रहा आपसे गरबा कहां का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, गरबा कहां का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, यहां पर ऑप्शन देना है। देखिए गरबा की अगर बात करते हैं तो आप सभी को मालूम होना चाहिए यहां पर यह गुजरात का है, कहां का है गुजरात, जो कि ऑप्शन बनेगा यहां पर बी नंबर है गुजरात, इसका आंसर राइट हो जाएगा, जो कि नवरात्रि के समय आपका मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे दिया गया है कि मिश्र धातु निगम लिमिटेड का मुख्यालय स्थित है, कह रहा है मिश्र धातु निगम लिमिटेड का जो आपका मुख्यालय है वो आपके हैदराबाद में है, ऑप्शन सी हो जाएगा हैदराबाद। इसकी स्थापना 1973 में की गई थी, कब की गई थी 1973 में की गई थी। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है क्या, कह रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे, बताइएगा यहां पर बताना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति इनमें से कौन रहे हैं, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल सही है जी शंकर कुरूप, जिसका भी आंसर आया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दोस्तों याद रखिएगा कि यहां पर जो आपका इनको दिया गया था 1965 में, कब 1965 में प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत में सबसे ऊंची डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 125 फीट की जो प्रतिमा का अनावरण है ये कहां पर किया गया है, चलिए करंट अफेयर का क्वेश्चन आपका आ गया है, जो कि हमारे मॉडल पेपर में करंट अफेयर अपडेट रहते हैं, एक्स्ट्रा ऐड किए जाते हैं, है ना, एक्स्ट्रा करंट अफेयर आपके पढ़ाए जाते हैं जो कि आपके अपडेट रहते हैं। यहां पर देखो दिया है भारत में सबसे ऊंची डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 125 फीट की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया है, तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपके तेलंगाना में, कहां पर तेलंगाना, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भौगोलिक संकेत प्राप्त क्या दिया है, कम्बम अंगूर का संबंध किस राज्य से है, बताइए कम्बम अंगूर है इसका संबंध जो है वो किस राज्य से है, तो दोस्तों ये है आपके तमिलनाडु से है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा तमिलनाडु। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियन 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है, तो चलिए बताइएगा यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों याद रखिएगा 7वें स्थान पर, क्या 7वें स्थान पर इसका जो ऑप्शन है यहां पर सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार इनमें से कौन सा बना है, तो दोस्तों यहां पर देखिए यहां पर आंसर जो आपका है वो ए नंबर हो जाएगा अमेरिका, क्या हो जाएगा अमेरिका इसका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में सबसे बड़ा दानकर्ता की सूची में भारत का जो स्थान है वो आपका कौन सा स्थान है, यहां पर जवाब देना है आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों याद रखिएगा इसमें से भारत के स्थान है क्या 4th स्थान है, ऑप्शन बी हो जाएगा 4th हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे दिया गया है,
कह रहा है भारत में वर्ष 2022-23 में कितने मूल्य का निर्यात किया गया है, कितने मूल्य का निर्यात किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर याद रखिएगा 770.18 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाला यहाँ पर खिलाड़ी कौन बन गया है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा रवाड़ा, है ना, यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा जो कि आपका कागिसुर रवाड़ा ऑप्शन सी बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में किस देश ने अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टाइफा फर्स्ट को लॉन्च किया है। दोस्तों इसका ये पहला उपग्रह है और ये है आपका केन्या, ऑप्शन आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा केन्या। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रतिवर्ष विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर 18 अप्रैल, क्या हो जाएगा 18 अप्रैल, ऑप्शन सी बनेगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है DRDO ने उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया है। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं DRDO ने उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन जो किया है वो कहां पर किया है, तो ऑप्शन डी आपके IIT हैदराबाद में, कहां पर IIT हैदराबाद, ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। और अगले पॉइंट में आइएगा जो कि अब आपको क्या करना है, आपको बन जाना है साधु संत, मतलब ध्यान मुद्रा में अब आपको देखना है, ध्यान देना है। हाँ, दूसरी बात यहाँ पर बात करते हैं करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर की जो क्लास होती है वो आपकी 5 बजे डेली चलती है, कितने बजे 5 बजे, और वो जो 5 बजे करंट अफेयर होती है वो हमने कहीं ना कहीं मॉडल पेपर में आपकी पढ़ा दिया है। तो इसका मतलब है जो आप मॉडल पेपर देख रहे होते हैं उसी के जो करंट अफेयर होते हैं वो हम आपको 5 बजे रिविजन के तौर पर भी होते हैं। हमारा मानना है कि जब आप करंट को 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा अरे यार ये तो हमने पढ़ा था, ये तो हमको आता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बनेगा आपके करंट अफेयर पढ़ने का, और आपके अंदर एक जब जुनून बन जाएगा ना कि नहीं बिल्कुल है वो चीज आपको आने लगेगा। इसलिए 5 बजे वाली क्लास को भी आप करंट अफेयर की जरूर लीजिएगा, ठीक है ना। देखो यहां पर क्या कह रहा है संविधान से पॉइंट अब आपके हैं, ध्यान से सुनना है क्योंकि लास्ट में जो क्वेश्चन होते हैं बेहतरीन होते हैं। देखिए भारतीय संविधान का जो गठन किया गया था जुलाई 1946 में किया गया, ठीक है। अगला है संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, दोस्तों याद रखिएगा 389 थी। संविधान सभा की जो आपकी पहली बैठक हुई थी वो आपके 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। यहां पर दोस्तों अगला पॉइंट दिया गया है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। यहां पर संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका आंसर है राइट हो जाएगा। अगला है कि संविधान सभा में जो संविधान का प्रथम वाचन हुआ था, तो दोस्तों याद रखिएगा प्रथम वाचन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा प्रथम वाचन 4 नवंबर से स्टार्ट होता है, 9 नवंबर 1948 तक चलता है, याद रखिए 4 नवंबर से स्टार्ट होता है, 9 नवंबर 1948 तक ये चलता है। यहां पर दूसरा वाचन पूछा है तो ये 15 नवंबर 1948 से स्टार्ट होता है और 17 अक्टूबर 1949 तक चलता है। यहां पर तीसरा वाचन है 14 नवंबर 1949 को स्टार्ट होता है और 26 नवंबर 1949 को ये कंप्लीट होता है। यहां पर देखिए अगला पूछा गया है संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो कब हुई थी, देखिए संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई वो आपकी 24 जनवरी 1950, क्या 24 जनवरी 1950। भारतीय संविधान को पारित किया गया था, तो दोस्तों भारतीय संविधान को पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। अगर पूछे भारतीय संविधान लागू किया गया तो आप कहेंगे 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया था। भारतीय संविधान ने राष्ट्रगान को कब बनवाया, याद रखिएगा राष्ट्रगान पूछा, राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था, दोस्तों याद रखिए। और अगला पॉइंट आपसे यहां पर देखो दिया गया है, कह रहा आपसे यहां पर क्या, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय गीत को दोस्तों 24 जनवरी 1950 को यहां पर क्या किया गया, संविधान सभा द्वारा एक्सेप्ट किया गया। दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा ने अपनाया था 22 जुलाई, डेट याद रखिएगा, यहां की डेट बहुत महत्वपूर्ण है, 22 जुलाई को दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। अगला दिया गया है संविधान निर्माण की प्रक्रिया में लगे वर्ष, अर्थात संविधान निर्माण की प्रक्रिया में जो समय लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। छोटे से यहां पर देखिए वीडियो में पूरा हम आपको यहां पर देख सकते हैं, पॉलिटी कंप्लीट हो रही है। कह रहे संविधान के निर्माण में जो कुल व्यय हुआ था कितना पैसा लगा था, तो 63,96,729 रुपए लगे थे, दोस्तों याद रखिएगा। मूल संविधान में भागों की संख्या कितनी थी, तो आपके 22 भाग थे। मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या, तो आपकी 395 अनुच्छेद। अनुसूचियां कितनी थी, तो आपके 8 अनुसूचियां थी। यहां पर दोस्तों संविधान के पिता किसे कहा जाता है, तो भारतीय संविधान के पिता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, याद रखिएगा, है ना। तो ये पॉलिटी क्वेश्चन हुए। अब जिनको समस्या होती है क्या आपके गवर्नर जनरल से, तो देखो हमने यहां पर इस प्रकार से आपको देखिए गवर्नर जनरल वायसराय, यहां पर एक साथ आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अपनी कॉपी में एक साथ लगाइएगा। देखिए बंगाल के गवर्नर, है ना, फोर्ट विलियम के गवर्नर, तो पहले रॉबर्ट क्लाइव,
फिर आपका दिया है विनस्टार्ट, फिर रॉबर्ट काडाउंस, फिर आपका वेरेन स्टार्ट, पिकार्टी, फिर वारेन हेस्टिंग। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे हम आपको ये पीडीएफ जो आपकी है वो टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देते हैं। डेली हमारी क्लास होती है, डेली क्लास में जो इस तरह की चीजें बताते हैं वो टेलीग्राम पे हम प्रोवाइड करा देते हैं। तो टेलीग्राम है देव जी के ट्रिक्स, देव जी के ट्रिक्स टेलीग्राम से जुड़ जाइए। वहां पर आपको जरूरी पीडीएफ भी मिलती रहती है, वीडियो की लिंक भी मिलती रहती है। हमने बताया है कि पेपर आपका है, पेपर में आप इसको ये समझ के चलिए कि मेंस एग्जाम है। दूसरी बात, आप यूपीडब्ल्यूएससी का पेपर देंगे कि नहीं देंगे? भाई आप जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पेड एग्जाम, सिर्फ पेड एग्जाम से तो शादी होगी केवल? क्यों भाई, पेड एग्जाम से शादी भी नहीं होगी यार। शादी तो होती थी आपके यूपी टेट सी टेट निकालने वालों को हो जाती थी। पेड एग्जाम से शादी भी नहीं होती है, पेड एग्जाम से निकाल दो शादी हो जाएगी, ये भी आपका नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम आपको यहाँ पर टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे, तो इसको आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मेहनत करिए, मेंस एग्जाम जो आप पढ़ रहे हैं पेड एग्जाम में यही आपको मिलेगा, क्या मेंस एग्जाम में भी मिलेगा यही चीज आपको मिलेगा। थोड़ा परिवर्तन मिलेगा, कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं है। जो आप पेड में पढ़ेंगे वही आप मेंस में पढ़ेंगे, इसलिए पहले से ही इतनी ताकत लगा दीजिए, अपनी इतनी ताकत झोंक दीजिए कि आपको मेंस एग्जाम बिल्कुल हल्का लगने लगे, है ना। और मेंस एग्जाम में जब आप आगे पहुंच जाएंगे ना, जब आप मेंस एग्जाम में आगे पहुंच जाएंगे ना, तो भैया आपको फिर पीछे कोई कर नहीं सकता है। यहां पर इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है, आप लोग ले सकते हैं। वैसे हम आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा देंगे, ये आपकी जो पीडीएफ है वैसे दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, है ना, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? चलो आधा आधा ले लीजिए भाई, जिन लोगों को टेलीग्राम में दिक्कत होती है। पैसा नहीं पड़ता है टेलीग्राम पे हमारे, हम टेलीग्राम में और यूट्यूब में पूरी फ्री क्लास देते हैं। ठीक है, ले लिया भैया। चलिए अब देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट आपके दिए हैं, भारत में प्रथम पुरुष, है ना, यहाँ पर भारत में प्रथम महिला, है ना, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, यहाँ से क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम टेलीग्राम पे अभी तो नहीं भेजेंगे, क्योंकि हम पढ़ाएंगे कल की क्लास में। जब कल की क्लास में पढ़ाएंगे तब आपको मिलेगा। देखो अब यह होता है कि टेलीग्राम पे होता है जब आपको देते हैं तो उससे रिवीजन होता है, लेकिन क्लास में जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो आपका मन लगा रहता है और पढ़ते रहते हैं। तो इसलिए आप लोग डेली क्लास लीजिए, बेहतर तरीके से क्लास लेना है। ठीक है ना, और यहाँ पर हमारे चैनल पर जो भी हम आपको पेट एग्जाम की क्लास दे रहे हैं शायद ही कोई चैनल आपको इस प्रकार से है। अगली क्लास में आइए, जी हाँ, देव जी के ट्रिक्स चैनल पर ही आपको आना है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम। अगली क्लास